प्रिय छात्रों, सुप्रभात। हमने इसके पूर्व के व्याख्यान में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। अब हम थोड़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसके कंट्रोल और मेनोपॉज के बारे में पढ़ते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के नियंत्रण के लिए हाइपोथैलेमस के द्वारा एक हार्मोन स्त्रावित होता है, जिसको हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH के कारण पिट्यूटरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उत्पन्न करती है। इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण फॉलिकल्स की ग्रैन्यूलोसा सेल ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। इससे ओवियम के अंदर ओव्यूलेशन होता है और ग्राफीन फॉलिकल का निर्माण होता है। एक अन्य हार्मोन का स्रावण होता है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है मुख्यतया, साथ ही साथ कार्पस ल्यूटियम का निर्माण करता है, और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण किया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गेस्टेशनल हार्मोन कहलाता है। गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए ये जिम्मेवार होता है। प्रत्येक हार्मोन का स्रावण एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है, और मेंस्ट्रुअल चक्र के प्रत्येक दिन इन हार्मोनों की सांद्रता के अंदर उतार और चढ़ाव होता रहता है। ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के दिन अर्थात 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मात्रा सर्वाधिक होती है, और इसी कारण से ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हो जाती है। यदि अंडे का निषेचन नहीं होता तो कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती है, और इसके द्वारा उसके आगे प्रोजेस्टेरोन का स्रावण नहीं होता। तो ये प्रक्रिया यदि 24वें दिन तक हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्रावण होता है, अन्यथा 24वें दिन के बाद कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होने लगता है। और जैसे ही ल्यूटियल हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा डिक्लाइन होती है, गिरती है, तो उसी समय गर्भाशय की जो ब्लड वेसल्स होती है, उसकी लाइनिंग होती है गर्भाशय की, वो संकुचित होती है और स्टेटम फंक्शनली टूट टूट कर गिरने लग जाता है। और यही स्टेटम फंक्शनली टूट के गिरता है, ब्लड वेसल्स टूटती है, रक्त की मात्रा भी स्रावित होती है। यही मेंसस और मेंस्ट्रुअल फेज का कारण बनता है। तो 28th डे तक आते आते मेंस्ट्रुअल फ्लो मेंटेन हो जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी फिर जो इनहिबिशन होता है, संदमन होता है ल्यूटिनाइजिंग और FSH का, वो समाप्त हो जाता है, और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा FSH और LH का स्रावण शुरू हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होने लग जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक और विशेषता होती है कि ये जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, स्टार्ट तो दोनों ओवरीज के अंदर होती है, किंतु प्रत्येक माह में एक ओवरी के द्वारा ही ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है, या तो लेफ्ट ओवरी के द्वारा या राइट ओवरी के द्वारा। अब किस ओवरी के द्वारा क्यों होती है, इसका अभी तक वैज्ञानिक सही उत्तर नहीं निकाल पाए। और यदि किसी भी कारण से दोनों ओवरीज के द्वारा ओव्यूम ओव्यूलेट हो जाते हैं, और यदि संयोग से दोनों ओव्यूम शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित होते हैं, तो ट्विंस बनते हैं, जिन्हें हम डाइजायगोटिक ट्विंस कहते हैं। द्विअंडीयमज यानी कि दोनों अलग अलग निषेचित होकर अलग अलग भ्रूण के रूप में विकसित होते हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का चित्र ओवरीज और गर्भाशय के एंडोमेट्रियम के परिवर्तन, और ओवरीज के अंदर कैसे फॉलिकल बनता है, कैसे कार्पस ल्यूटियम ल्यूटिनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, उसको बता रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर कुछ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिन्हें हम शॉर्ट में PMS भी कहते हैं, ये लगभग 2 से 12 दिन के दौरान होते हैं। जब स्टार्ट प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो इरेटेबिलिटी होती है मेंस्ट्रुअल से पहले। प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर भी कहते हैं इसको। इसके अंदर अत्यधिक पेन होता है, मरोड़ भी आती है, बहुत दिक्कतपूर्ण मेंसस की प्रक्रिया होती है। इस अवस्था को डिसमेनोरिया भी बोलते हैं। तो असहनीय दर्द होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, क्रैम्पिंग जिसे मरोड़ा कहते हैं होता है, कमर में दर्द जिसे बैकेक कहते हैं, सर दर्द होता है जिसे हेडेक कहते हैं,
नाक भी बह सकता है, नौजिया कहते हैं, और अत्यधिक थकान महसूस होती है। ये डिसमेनोरिया के लक्षण होता है। कई बार इस अवस्था में जो श्रवण होता है होता ही नहीं है, तो इस करेक्टरिस्टिक फीचर को एमेनोरोइया कहते हैं, यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फैट की मात्रा यदि किसी बच्ची के शरीर में कम हो तो उसे एमेनोरिया हो सकते हैं। इसको इलाज भी किया जा सकता है। ये जनरली एथलीट्स जो ट्रेनिंग के दौरान होते हैं उनमें उनके अंदर उन फीमेल्स के अंदर एमेनोरिया की संभावना अधिक होती है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होता है तो उस अवस्था को हम मीनोपॉज कहते हैं। ये जो मीनोपॉज होता है इसे पैरी मीनोपॉज, यानी कि जब मीनोपॉज आए नहीं उससे कुछ समय पहले ही इस्ट्रोजन का लेवल बॉडी के अंदर डिक्रीज होने लगता है, उस अवस्था को पैरी मीनोपॉज कहा जाता है। ये पैरी मीनोपॉज है जब इस्ट्रोजन लेवल कम होना शुरू होता है। जब इस्ट्रोजन लेवल इतना कम हो जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल लगभग समाप्त प्राय हो जाती है तो उस अवस्था को हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। प्राय 51 वर्ष की अवस्था के अंदर ये हो जाता है, लेकिन लगभग 30 साल से 60 साल तक की अवस्था में कभी भी किसी भी स्त्री में हो सकता है। आम तौर पर ये 48 साल से 55 साल के बीच में मीनोपॉज होता है। मीनोपॉज के अंदर कुछ सूक्ष्म लक्षण होते हैं जो निरंतर स्त्री के शरीर में इस्ट्रोजन के लेवल में परिवर्तन होने के कारण से होते रहते हैं। उसको अत्यधिक गर्मी लगती है और उसकी बॉडी की ब्लड वेसल्स फैलती है, विस्तीर्ण होती है, डायलेशन होता है, और 75% महिलाओं में ये डायलेशंस ब्लड वेसल्स का होता है, तो उसको गर्मी लगती है। इसको हॉट फ्लैशेस कहते हैं, अत्यधिक गर्मी का लगना, हॉट फ्लैश कहते हैं। पसीना आता है, नींद में भी इंटरप्शन हो सकता है स्त्री के, सरदर्द होता है। कई बार कई स्त्रियों में इस अवस्था के दौरान डिप्रेशन और एन्जाइटी, अनावश्यक चिंता होती है, योनि के अंदर सूखापन हो जाता है, और जो कामेच्छा भी स्त्री की होती है वो हासित होने लगती है। ये मीनोपॉज के लक्षण स्त्री के शरीर में दिखते हैं। आधुनिक समय के अंदर चिकित्सा विज्ञान विकसित हो गया है, तो मीनोपॉज जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में हार्मोनल थेरेपी भी होने लगती है। तो सप्लीमेंट हार्मोन, कि शरीर के अंदर जो इस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन कम हो गए हैं, समाप्त प्राय हो गए हैं, सीक्रेशन कम हो गया है, तो उसके एवज के अंदर बाहर से इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दिए जाते हैं। प्राय दिया जाने वाला हार्मोन इस्ट्रोजन होता है। इससे जो स्त्री को गर्मी लगती है, फ्लैशेज, ये कम होने लगते हैं, पसीना कम निकलने लगता है, वेजाइनल ड्राइनेस में कमी होने लग जाती है, और बोन की जो डेंसिटी भी फीमेल के अंदर कम होने लगती है वो मेंटेन होने लगती है, सेक्सुअल इंटरेस्ट इंक्रीज होने लगता है, लेकिन एंडोमेट्रियल, ओवरियन और ब्रीस्ट कैंसर के होने की भी संभावना हार्मोनल थेरेपी के अंदर होती है। रक्त के थक्के बनने की और कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होने की संभावना भी हार्मोनल थेरेपी लेने वाली महिलाओं के अंदर देखा गया है। विदेशों में प्राय हार्मोनल थेरेपी का अत्यधिक चलन है, लेकिन हार्मोनल थेरेपी का कुछ अल्टरनेटिव्स भी होते हैं। वुमेन जो कि अत्यधिक सक्रिय होती है, उनको मीनोपॉजल चेंजेस को मेंटेन करने के लिए व्यायाम करना चाहिए। कैफीन, टैबको, अल्कोहल, तलिए भोजन आदि को कम करना चाहिए। उससे जो बॉडी के अंदर गर्मी लगना होता है, पसीना आना होता है, का एक हॉट फ्लैशेस जिसको कहते हैं, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। विटामिन्स और हर्ब्स का उपयोग इस अवस्था में किया जाना चाहिए। कैल्शियम को बाह्य रूप से लेना चाहिए, विटामिन डी इनको लेना चाहिए, और ऑस्टियोपोरोसिस, विटामिन डी और कैल्शियम लेने से स्त्री के बोन्स के अंदर रुकने लगता है। विटामिन ई और वनस्पति जो होते हैं, हर्ब्स होते हैं, ये अत्यधिक लेने से जो ये सिम्टम्स और हॉट फ्लैशेस होते हैं इनकी मात्रा कम होने लगती है।
कई बार मीनोपॉज के दरमियान और उसके समाप्ति के समय यूट्रस के अंदर गांठें बन जाती है, तो स्त्री में यूट्रस से मूव हो जाता है। इस अवस्था को हिस्टरेक्टॉमी कहते हैं। और कई बार अंडाशय में असामान्यता होने से दोनों अंडाशय ओवरीज बाहर निकाल दिए जाते हैं, इसको ओफायरेक्टॉमी कहते हैं। ये आवश्यक होते हैं, इससे फाइब्रॉइड्स का निर्माण हो जाता है, यूट्राइन कैंसर हो सकता है। इसलिए मीनोपॉज के बाद या दरमियान स्त्रियों के अंदर इनको रिमूव कर दिया जाता है। लगभग हिस्टरेक्टॉमी का रिमूवल स्त्रियों के अंदर 60 से 65 वर्ष की अवस्था में प्राय होने लगता है। हार्मोनल चेंजेस होने के कारण से जो पेल्विस रीजन की नर्व्स होती है वो रेस्पॉन्स भी कम करती है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी कम हो जाती है, सेक्सुअल रेस्पॉन्स कम हो जाता है, और यूट्रस के अंदर निरंतर चक्र के कारण से फाइब्रोसिस होने लगता है, और इन फाइब्रोसिस होने के कारण से ही हिस्टरेक्टॉमी की आवश्यकता होने लगती है। इस प्रकार मीनोपॉज समाप्ति के बाद होने वाले चेंजेस और हार्मोनल थेरेपी के द्वारा इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है।